हेलो भी आस पड़ोस वाले भी एकदम चंगे होंगे जी ओके सो टूडे आई विल टॉप टेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सो भाई और बहनों घूम फिर के हर साल ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपके पेपर में आते ही आते हैं इन फैक्ट इन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट uh, से कॉन्सेप्टअल क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में मिल सकते हैं सो लेट्स सी व्हाट आर दो क्वेश्चंस और हमें सीखना है कि इन क्वेश्चन को हम अटेम्प कैसे करें इनका आंसर कैसे लिख सकते हैं सो बिफोर वी मूव ऑन आई हैव अ प्योरफुल मैसेज फॉर यू आउट स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन सो लगे रहो मुन्ना भाई परफेक्शन uh, तो झक मार के तुम्हारे पास आएगी इफ यू जस्ट कीप एन आई ऑन योर प्रोग्रेस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वॉट इज मेन बाई टर्म केमिकल फॉर्मूला क्या मतलब है केमिकल फॉर्मूले का अगर तुम्हें बार बार लिखना पड़े कार्बन पूरा पूरा स्पेलिंग लिखना पड़े तो कैसा लगेगा बताओ हाउ विल यू फील अगर हर बार तुम लोग को लिखना पड़ रहा है कि इट्स वॉटर इज बीन फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन सो इट्स अ बिग टास्क है ना हर बार ये लिखना इज बिग टास्क तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया विच इज लाइक मोर कन्वीनियंट एंड दैट्स वेन वी कॉल दम एज केमिकल फार्मूला सो केमिकल फार्मूला इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड विच हैज़ अ प्रॉपर कॉम्पोजिशन प्रपोर्शन उनका फिक्स होता है उन्हें हम केमिकल फार्मूला कहते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड को एनएससीए कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सी लिखते हैं वाटर को एच लिखते हैं ग्लूकोज को सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स लिखते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड को सी सी एल फोर लिखते हैं सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन दीज आर ऑल कॉल्ड एज केमिकल फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज वन एम और वन यू पहली बात तो यू होता क्या है और एम यू होता क्या है एम यू इज कॉल्ड एज अटोमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म क्या है ए फॉर अटोमिक ठीक है एम फॉर मास एंड यू फॉर यूनिट ठीक है एंड यू क्या है इट इज कॉल्ड एज यूनिफाइड मास तो पहले बोला जाता था ए एम यू इट इज़ ए यूनिट ऑफ रिलेटिव मास रिलेटिव मास का यूनिट क्या लिखा जाता था ए एम यू लाइक कार्बन का रिलेटिव मास कितना है 12 U या फिर ए एम यू बट आज के टाइम में हम लोग इसे क्या और शॉर्टकट वे में यूज़ करते हैं विच इज़ U. आप एम यू भी, भी लिख सकते हो गलत नहीं है बट नाव डेज वी हैव स्विच्ड टू यू जैसे तुम लोग लाफ आउट लाउड को एल ओ एल बोल देते हो फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो सब चीज़ों के लैंग्वेज बन रहे हैं सब छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो इन्होंने भी बोला कि ठीक है भाई ए एम यू भी तुम क्या ही लिखोगे इसको भी तुम यू ही कर लो राइट सो यू इज ए यूनिफाइड मास विच इज़ अ यूनिट ऑफ रिलेटिव अटोमिक मासिस बट वन एम यू या वन यू का मतलब क्या है इट इज टी मास ऑफ़ कार्बन फॉर एग्जाम्पल अगर सल्फर का मास थर्टी टू यू है तो इसका मतलब है कि सल्फर थर्टी टू टाइम्स हेवियर है फ्रॉम टी मास ऑफ कार्बन ऐसे ही लेट्स टेट्स ट्वेंटी थ्री इट इज ट्वेंटी थ्री टाइम्सर देन मास ऑफ कार्बन टो वन एम यून टी मासम ऑफ कार्बन ट्बन टेट एक्चुअली कार्बन विद मास टन ऑफ द आई सोटोप ओके नेक्स्ट फाइन दोलिक्यूलर मास ऑफ वॉटर मोलिक्यूलर मास क्या होता है मास ऑफ मोलिक्यूल इस मोलिक्यूलर मास जैसे आप लोग ने पढ़ा है मास ऑफ एटम्स को हम अटोमिक मास कहते हैं जैसे कार्बन का अटोमिक मास हो गया ट्वेल्व यू हाइड्रोजन का अटोमिक मास हो गया 1U. ऐसे ही मोलिक्यूल के मास को हम मोलिक्यूलर मास कहते हैं मॉलिक्यूल के मास कैसे निकालते हैं बाय एडिंग दी मास ऑफ ओ मोलिक्यूल मोलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, उनके अटोमिक मासेस को सम करना है ऐड करना है फॉर एग्जाम्पल वॉटर वॉटर एज अ मोलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है इस मोलिक्यूल में ऑक्सीजन है राइट सो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है वन यू ऑक्सीजन का अटोमिक मास होता है सिक्सटी मास मींस एक एटम का मास सो के अंदर एच टू है एच टू मीन्स एक एटम का मास वन है तो दो का कितना होगा वन इंटू टू दैट मीन्स टू राइट प्लस देर इज वन एटम ऑफ ऑक्सीजन जिसका मास कितना है 16 सो so, एक एटम के मास को लगा दिया विच इज 16 ओवरऑल 2 प्लस सिक्सटीन दैट गिव्स यू 18 यू एंड दैट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर सो अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या लिखोगे इट्स अ सम ऑफ अटोमिक मासस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है उससे फर्क नहीं पड़ता है बट मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी आटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का एडिशन ही आपका मॉलिक्यूलर मास होगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टू ओ ओ टू एंड ओ थ्री भाई ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोग को यही समझ नहीं आता कि 2O का मतलब क्या है O2 का मतलब क्या है और कई लोग तो इसको समझते हैं कि एक ही है भाई एक कोई गाल है एक ही बात नहीं है ओ oh, पहली चीज ऑक्सीजन एज एन एटम एग्जिस्ट नहीं करता जब हमने टू ओ लिखा है इसका मतलब है टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इसका मतलब क्या है टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ओ टू ओ थ्री एग्जिस्ट करते हैं ये जो तुम तो सांस ले रहे हो ऑक्सीजन गैस जो आप इनहेल कर रहे हो दैट इज O2, it is a molecule of oxygen, which is present in a gaseous form. और वो अपनी identity showcase करता है, उसकी properties है, वो अपना independent existence कर सकता है. O3 is also a molecule, and the name is ozone. जिसका भी अपना इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है राइट सो टू ओ मतलब टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना ही कर सकते विच वी आर इनहेलिंग ट्वेंटी फोर सेवन जैसे हम लोग जिंदा है that's O2. इंडिपेंडेंटली क्योंकि ये मोलिक्यूल है और ये कितने आटम से बना है इट इज मेड अप ऑफ थ्री एटम्स सो ये मोटा मोटा डिफरेंस होता है बिटवीन टू ओ ओ टू एंड ओ थ्री नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिव द दटोमिसिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। पहले तो अटोमिसिटी होता क्या है भाई अटोमिसिटी का मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है इन अ मोलिक्यूल कितने एटम्स से बना है वही अटोमिसिटी है वेरी सिंपल कैल्शियम ऑक्साइड में एक कैल्शियम है प्लस मल्टीप्लाई करते हो जैसे टू एक्स प्लस वाई में आप लोग टू को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और टू को वाई से मल्टीप्लाई करते हो होल में जब आप लोग मल्टीप्लीकेशन करते हो तो अंदर वाले से सबसे मल्टीप्लाई uh, होता है एज यू ओपन द ब्राकेट सेम थिंग टू ऑक्सीजन प्लस टू हाइड्रोजन है ना हमने सिर्फ तोड़ तोड़ के लिखा है ठीक है तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ फाइव सिंपल इतना ही करना है ना मैग्नीशियम का एक एटम है ना हाइड्रोजन के दो कार्बन के दो ऑक्सीजन थ्री इंटू टू सिक्स एटम्स ऑफ ऑक्सीजन काउंट करके तो देखो कितनी अटोमिसिटी निकल रही है सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अटोमिसिटी इज इलेवन टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने एंड यू विल गेट योर आंसर सो पहले वाले में फाइव देन इट इज इलेवन यहाँ पे दो कॉपर एक ऑक्सीजन थ्री टू हाइड्रोजन वन सल्फ़र आप लोग क्या करते हो ना वन को ज़ीरो ले लेते हो भाई कैसे ले सकते हो वो फॉर्मूला में दिख रहा है एग्जिस्ट करता है सो so, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँ तो इसका मतलब होता है कि वन है मुझे ज़ीरो लिखना होगा ना तो मैं उसको शो ही नहीं करूँगी सो so, डोंट assume it as zero. जीरो अभी तुम लोग x plus y लेकर आते हो या वन x plus y लेकर आते हो यू prefer दिस नो no? क्योंकि तुम मानते हो कि अगर कुछ नहीं लिखा तो वन है सो so, यहां पे भी यहां पे नंबर शो नहीं करेगा तो मतलब इट इज वन सल्फर वन टू हाइड्रोजन प्लस four ऑक्सीजन गिव यू सेवन atomicity सेवन ऐसे टू aluminium थ्री सल्फर फोर into थ्री कितना होगा ट्वेल्व एंड दैट्स गिव यू सेवनटीन सेम गोज वो वन मैग्नीशियम टू क्लोरीन विल बी क्लोरिन सिंपल होता है अटोमिस निकाला फॉर्मूला अगर बनाना आता है तो अटोमिसिटी निकाल लोगे एग्जाम में अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं स्पून फीड करे तो फॉर्मूला बनाओ एंड अटोमिसिटी निकालो सिंपल नेक्स्ट क्या के लिए दी फॉर्मूला यूनिट मासिक सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड सो भाई और बहनों फॉर्मूला यूनिट मास सिर्फ एक फैंसी सा नाम दे दिया है आइनिक कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेशन मोलिकुलर मासेस जैसा ही होता है बस नाम अलग है बाकी एवरी थिंग रिमेन्स सेम सो आपको सब कुछ दिया सोडियम का मास क्लोरीन का मास कैल्शियम का मास ठीक है सोडियम क्लोराइड में एक आटम सोडियम का है मास ट्वेंटी थ्री एक एटम क्लोरीन का है मास क्लोरीन एटम इज 35.5 टोटल कितना आएगा 58.5 यू यूनिट नहीं लगाओगे मार्क्स कटेगा सीधा सीधा इफ़ यू वांट टू गेन फुल मार्क्स यू हैव टू रिमेंबर दिस चोटू चोटू फिंगस ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड का देख लो कैल्शियम क्लोराइड में क्या है कैल्शियम मास 40, एक ही आइटम है ना जिसका मास 40 है क्लोरीन दो है सो व्हाट विल यू डू टू इन टू थर्टी जो आपको कितना देगा वन 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 यू शगुन का 111 सौ ग्यारह यू यूनिफाइड मास विच इज एप्सोल्यूटली राइट आंसर ओके

इट्स द ओनली डिफरेंस यहाँ पे कि फॉर्मूला यूनिट मास एक बड़ा फैंसी टर्म दिया है फॉर आयनिक कंपाउंड्स ओनली और मोलिक्यूलर मासिस आर ओनली फॉर मोलिक्यूल्स का मासस अगर कंपाउंड आयनिक है तो उसके लिए हम बोल देते हैं कि फार्मूला यूनिट मास निकालो क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट्स कहते हैं so सो इसीलिए उनके मासिस को भी हमने क्या कह दिया फार्मूला यूनिट मास दैट्स द ओनली डिफरेंस गाइस मोलिकुलर so, compound. Compound, compound मासज में अटोमिकेजेंट इन मोलिक्यूल दैट दिफरेंस कैलकुलेशन वाइज कोई डिफरेंस कभी नहीं आएगा ठीक है ओके नेक्स्ट व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है एंड गिव वन एग्जांपल एग्जाम्पल पॉली का मतलब बोले तो पॉली मींस मेनी है ना अगर ग्रुप ऑफ एटम्स है ठीक है ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कोई कॉमन चार्ज है प्लस या माइनस तो ऐसे आयंस को हम पॉलीअटोमिक आयंस में कंसिडर करते हैं आपने दो तरह के आयंस पड़े सिंपल पॉलीअटोमिक सिंपल बोले तो जो सिंगल एटम या मोनटोमिक आय सिंगल एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो सिंपल होते हैं पॉली मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज जैसे अमोनियम एन या प्लस वन अलग अलग एटम है ग्रुप ऑफ एटम है लेकिन कॉमन चार्ज सर पे रखा हुआ है दैट्स पॉलीएटॉमिक। ऐसे नाइट्रेट हो गया कार्बोनेट हो गया सी ओ थ्री टू माइनस फॉस्फेट हो गया पी ओ फोर थ्री माइनस बाई कार्बोनेट हो गया एच सी ओ थ्री वन माइनस हाइड्रोक्साइड हो गया ओ एच वन माइनस एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन दर आर मेनी पॉलीएटॉमिक आयंस अवेलेबल Next question. Define valency and give valency for following elements: magnesium, aluminium, and chlorine. See the other question here. Valency, क्या होती है? Valency is a combining capacity of an atom. एक atom कितने bonds बना सकता है? के कि element कितने bonds बना सकता है? वही उसकी valency है. जैसे कि मैग्नीशियम इसका अगर हम लोग देखें तो अटोमिक नंबर होता है बारह ठीक है और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो आएगा 282 टेंशन मत लो क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीखोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में तो अभी यहाँ पे इतना टेंशन मत लो कि हो मुझे तो आता नहीं है कोई बात नहीं ये तुम सब सीखोगे यू विल लर्न हाउ टू मेक दिस और आप शायद मुझसे जल्दी बना लोगे ठीक है सो डोंट वरी सो so, यहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंसी है टू अलुमिनियम का वैलेंसी है थ्री एंड क्लोरीन का वैलेंसी है वन दैट मीन्स व्हाट इज द कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल वैलेंसी कितने बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ वही उसका वैलेंसी होता है ठीक और देखना नेक्स्ट चैप्टर तक तुम लोग वैलेंसीज भी एकदम ऐसे निकाल लोगे बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दिया एंड मैम देख लो ये है so, now, remember, आटम्स में तुम लोग एकदम दुरअधर हो जाओगे लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रेशो ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन वॉटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया ये क्वेश्चन कहां से है जोसेफ प्राउस्ट के लॉ से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। छोटे वाले अंकल थे जोसेफ प्राउस वो पूछ रहा है बाय मास इनका रेशो क्या है जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है बाय मास कैसे निकालोगे हाइड्रोजन के एक आटम का मास है वन यू ऑक्सीजन के एक एटम का मास है सिक्सटीन यू ठीक है तो हाइड्रोजन के यहाँ कितने आटम? दो तो हम दो एटम्स का मास कंसिडर करेंगे इज टू एक एक का एक है तो दो का कितना होगा दो ऑक्सीजन वन जिसका मास 16 है आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा वन इज टू एट दैट विल बी आंसर फॉर वाटर ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकते हो कार्बन इज टू ऑक्सीजन कार्बन के एक आइटम का मास है बारह यू ऑक्सीजन के एक आइटम का मास है सिक्सटीन यू कार्बन का एक ही आटम है 12, ऑक्सीजन के दो एटम्स है सो वील टेक 16 इन टू टू थर्टी टू दैट यू कितना आएगा थ्री इज टू एट मास क्योंकि हम लोग मासिस से निकाल रहे हैं ऐसे ही अमोनिया का भी आप निकाल सकते हो विच इज फोर्टीन इज टू थ्री एनएच थ्री नाइट्रोजन के एक आटम का मास फोर्टीन नाइट्रोजन के सॉरी हाइड्रोजन के तीन आटम है एक एटम का मास वन टू तीन का कितना हुआ फोर्टीन इज टू थ्री अब तुम इसको सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते हो फ्रैक्शन में नहीं मांगता है बॉस आंसर होल नंबर में चाहिए तो अभी इसको तुम सिंप्लीफाई कहीं से नहीं कर सकते एंड दैट्स द रीजन इट इज जस्ट फोर्टीन इज टू थ्री बाई मास सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर टेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये रहा आपका होमवर्क So, by Bhai your bero, please do let me know the answers of this homework in the chat box, and we will discuss it. Okay? Give the atomicity of phosphorus and nitrogen. Dekhe zara. Bhojhadu jane. So, do not forget to uh, follow me on my insta Vedantu, and join on telegram channel for more informative videos and do subscribe it for notifications will aap kuch miss nahi all the topics will be Shared with you such as essay important questions. I will be sharing with you with more important concepts. So, if you do not want to miss a single thing, then in that case, you should subscribe, uh, comment, and share. That was it from my side. This is me, they Sajdeva, signing off. Thank you. Take care, stay safe, stay, stay happy. we will chalte. chalte. E in some other session. Bye.